स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं। वहीं दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक हाट बाजार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से गांव-गांव गली-गली लोगों को इलाज की सुविधा देने के लिए योजना चला रहा है। लेकिन बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुपचेरा में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के सपनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ बने स्वास्थ्य केंद्र में ताले लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम लगभग 10 से 12 स्वीकृत पद होते हैं, लेकिन यहाँ एक स्टाफ नर्स के भरोसे पिछले 2 माह से अस्पताल संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पदस्थ एक डॉक्टर को जिला चिकित्सालय में अटैच कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ एक अन्य डॉक्टर ट्रांसफर कराकर अन्यत्र कहीं चला गया है। भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को सबक सिखाने के लिए ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मामले की शिकायत कलेक्टर, सीएमओ और महिला बाल विकास मंत्री को की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद बालोद निवासियों ने मामले की शिकायत सीएम से की है। गांव वालों ने जो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगाया है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इसके पहले गांव वालों ने मेरे पास शिकायत किया था, मैंने बीएमओ और सीएमओ से व्यक्तिगत रूप से बात किया गांव वालों के सामने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक सप्ताह के अंदर डॉक्टर भेजेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने डॉक्टर भेजा नहीं, और उसी का ही परिणाम है कि आज गाँव वाले क्षुब्ध होकर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया है। यहाँ की स्टाफ नर्स हूँ, यहाँ पे लगभग 2 महीने से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ओनली एक ही स्टाफ नर्स अभी मैं प्रेजेंट में ड्यूटी कर रही हूँ, तो गांव वाले को यही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एक डॉक्टर का जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण एक ही स्टाफ नर्स क्या करेंगे, ऐसे करके उनका कहना है। तो मैं प्रेजेंट ड्यूटी में भी हूँ, बट गाँव वाले को जो लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पी एस सी रुपचेरा में,